एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। ये देख पा रहे होंगे ये नोटिस 8/6/2024 के डेट में नोटिस अपडेट हुई है, जो कि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मेल हमें नहीं आया है, अब तक मेल नहीं आया है, क्या दिक्कत है। तो उससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में बताएंगे, और प्लस में लैपटॉप के लिए जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि लैपटॉप मेरा पुराना वाला चलेगा कि नहीं, कौन सा लैपटॉप लेना होगा, कौन सा कंपनी का लेना होगा, क्या, ये सारा कुछ डॉट आप लोग को एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जो होंगी ये नोटिस 8/6/2024 के डेट में ये नोटिस अपडेट किया गया है, जो कि नोटिस में क्या लिखा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय के तहत विभिन्न संविदा पदों पर BCECB के माध्यम से चयनित सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निदेशालय के वेबसाइट पर dlrs.bihar.government.in पर योगदान के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के प्रारूप को दिए गए हैं। आप लोग सबसे पहले योगदान कहाँ पे करेंगे, तो जिला में नहीं बल्कि आप लोग पटना में जाके पहले योगदान, फर्स्ट योगदान देंगे। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से ले जाने हैं उसका बारे में यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे मैं वो भी PDF आप लोग को दिखाऊंगी। dlrs.bihar.government.in पे आपको वो नोटिस मिलेगा, PDF मिलेगा, जिसमें आपको लिखे होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे जब आप योगदान करेंगे। तो उसके बाद लिखा हुआ है, प्रारूप को दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुए संबंधित परपत्र में आवश्यक प्रविष्ट कर उसे तैयार रखेंगे। तो जो भी आप लोग का ये डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसको आप रेडी रखेंगे। आपको बुलाया जाएगा पटना में, तब वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको वहाँ जाना होगा। जैसे कि नीचे में लिखा हो, विदित हो कि पूर्व में भी SMS ईमेल के माध्यम से अल्प सूचना पर नियोजन पत्र प्राप्ति हेतु पटना में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। तो आप लोग को जो है नियोजन पत्र मिलेगा, जो कि पटना में मिलेगा, वहाँ पर आप लोग को उपस्थित होना है। SMS ईमेल के माध्यम से आपको सूचना भेज दिया जाएगा कि तिथि की सूचना के उपरांत ससमय पटना में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो अपना SMS मेल पे ध्यान दीजिएगा, आपको वहाँ पे सूचित किया जाएगा, बुलाया जाएगा कि पटना में आपको किस डेट में आना है। तो ये रहा आप लोग को एक नोटिस, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ये नोटिस को अपडेट किया गया। अब हम चलते हैं कि आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं जो पटना में मांगे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है ले जाना है पटना में जब आप योगदान करेंगे। तो उसका आप लोग देख लीजिएगा। ये है ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जो कि लिखा है द एम्प्लॉय नीड टू सबमिट द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू द डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वेइंग ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। फर्स्ट में बताया है कि यू विल हैव टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज एंड 3 पासपोर्ट साइज कलर पास फोटोग्राफ विथ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोग जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उसका जो है 2 कॉपीज फोटोज कॉपी और पासपोर्ट साइज 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटो फोटोग्राफ होगा। देखिए जो डॉक्यूमेंट आप लोग ले जाएंगे, टेंथ का मार्कशीट होगा, उसके बाद ये सर्टिफिकेट होगा टेंथ का, और डिप्लोमा का आपका जो होगा वो ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट लगाइएगा, ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट होगा, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये, उसके बाद ग्रेजुएशन डाले होंगे तो ग्रेजुएशन का आप जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो फोटो पासपोर्ट साइज 3 फोटो है, एक्स्ट्रा भी आप लोग लेके जाइएगा, और फोटो 2 सेट कीजिएगा, उसमें 3 सेट कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो वो तीसरा सेट आपको काम आ जाए। और सारा फोटोकॉपी के नीचे जो है सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, सिग्नेचर और जो है डेट डाल दीजिएगा। नीचे में लिखा है एन एफिडेविट स्वर्न इन बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक टू द इफेक्ट एज इंडिकेटेड इन द इंक्लूस फॉर्मेट। देखिए शपथ पत्र बनवाना है, इसका जो है फॉर्मेट मेरे पास है, मैं भी बनाई थी, वो मैं फॉर्मेट आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा कि एफिडेविट कैसे बनता है। देखिए ये जो ऊपर में जो डॉक्यूमेंट आप देंगे वो सारा डॉक्यूमेंट का एफिडेविट बनाना है,
कि हमने जो मूल प्रमाण पत्र दिए हैं वो जो है ओरिजिनल है, फेक नहीं है। तो ये इसका एफिडेविट बनवाना है जो कि आपको कोर्ट से बनेगा। तो आप जहाँ के निवासी वहाँ पे जो भी कोर्ट होगा उस कोर्ट में आप अपना जो है एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट बनवाने के लिए आपको जो ऊपर सारा डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे वो सारा डॉक्यूमेंट आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। एफिडेविट हो गया। उसके बाद टू पॉइंट में क्या लिखा है, टू फोटो कॉपीज ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ और जो है उसका दो फोटो कॉपी मांगा है, एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड चलेगा, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड तो मतलब साइन कर दीजिएगा उसके नीचे और फोटो कॉपीज के नीचे, और उसमें डेट डाल दीजिएगा। थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा है टू फोटो कॉपीज ऑफ पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पैन कार्ड का दो फोटो कॉपी बोला है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिसमें कि ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए, जो कि डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर से होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे गारंटेड बाई ए गवर्नमेंट डॉक्टर नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। यानी कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग बनवाइएगा तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ से बनवा लीजिएगा, जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर लिखा, और उसके नीचे जो बिलो रैंक का असिस्टेंट सिविल सर्जन होते हैं उनसे नहीं चलेगा। द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर मस्ट बी गिवेन, जो कि वहाँ के जो ऑफिसर होंगे वो मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे उसमें सर्टिफिकेट में, गिवेन अलॉन्ग विथ द सिग्नेचर, और फिर वो सिग्नेचर करेंगे। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग को बनवा लेना है, जिसमें कि ध्यान दीजिएगा ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में है एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर टर्म्स ऑफ असाइनमेंट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ड्यूली साइन। देखिए जब आप यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिएगा ऑफर लेटर तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में, वो टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सिक्स पॉइंट में लिखा है रिलीविंग लेटर इन ओरिजिनल फॉर्म द लास्ट सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल एप्लीकेंट इफ एप्लीकेबल। देखिए चाहे वो जिन भी कैटेगरी के हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईबीसी डब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी के हो, अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का जो रिलीविंग लेटर लाइएगा उसका एक ओरिजिनल और जो है कि फोटोकॉपी आप लोग लगा दीजिएगा रिलीविंग लेटर का, जो लास्ट सर्विंग सर्विस जहाँ पे कर रहे होंगे और जिस ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे, जो कि अगर अवेलेबल हो एप्लीकेबल हो आप लोग के पास जो भी जॉब कर रहे होंगे तो वो आप लगा ही दीजिएगा, बेहतर होगा। सेवेंथ नंबर पॉइंट में लिखा है द ओरिजिनल वाउचर एंड जीरोक्स कॉपी ऑफ परचेज ऑफ एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप। देखिए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन क्योंकि इसमें फ़ोन का ज़रूरत पड़ेगा और लैपटॉप का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसका भी यहाँ पे बता दिया है कि आप लोग जब परचेज कीजिएगा तो उसका एक वाउचर जो आपका बिल होगा ओरिजिनल बिल वो आपको फोटो कॉपी जीरोक्स कॉपी करके आपको वहाँ पर लगाना होगा स्मार्ट मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप के लिए। लैपटॉप के लिए लिखा है शुड बी द नेम ऑफ कंसर्न कैंडिडेट, उसमें लैपटॉप जब खरीदिएगा तो उसमें आपका नाम होगा, नाम होना चाहिए कैंडिडेट का, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए द लैपटॉप इज गिवन, लैपटॉप में क्या क्या, जब आप लैपटॉप खरीदेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, पुराना लैपटॉप नहीं चलेगा, आपको नया लैपटॉप लेना होगा जो कि आपका ही नाम का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है सीपीयू जो है इंटेल कोर i3 होनी चाहिए, चिपसेट होनी चाहिए इंटेल, मेमोरी 4GB मिनिमम, कम से कम 4GB का होना चाहिए, हार्ड डिस्क 500GB होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7 और हायर, विंडोज 7 चलेगा और उससे हायर चलेगा। एडिशनल सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, एडब पीडीएफ रीडर, इंटरनेट सिक्योरिटी यहाँ पे देख लीजिए, और ब्राउजर जो है गूगल क्रोम, 1 डाटा कार्ड फॉर इंटरनेट, 1 MBPS मिनिमम होनी चाहिए। तो ये कंप्यूटर के लैपटॉप जो लीजिएगा उसके लिए ये क्राइटेरिया बताए कि इसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप वर्क कर पाइएगा। स्मार्टफोन का बिल दे दीजिएगा, स्मार्टफोन आपके पास
जो अवेलेबल है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसका बिल आप लोग को दे दीजिएगा। नीचे में जो आपका 5 नंबर पॉइंट में लिखा था कि एप्लीकेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर, उसका टर्म्स ऑफ असाइनमेंट यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आपको चीज़ें समझ में आए कि आप जॉब करने जा रहे जाइएगा तो आपका क्या टर्म्स होनी चाहिए। नेचर ऑफ एग्रीमेंट ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं करती हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं बता दी हूँ। और जिनका मेल नहीं आया है उनको भी, उनके लिए मैं बता ही दी हूँ कि मेल आपको आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने का है। और जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको तो मेल आएगा ही, क्योंकि पटना में योगदान देना है आप लोग को, तो मेल या SMS के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, मेल पर एकदम ध्यान देना है। तो ये टर्म असाइनमेंट है जो आप इसको देख लीजिएगा। और ये जो देख रहे हैं शपथ पत्र जिसमें कि लिखा है समक्ष में लेख प्रमाणक, मैं आपका नाम यहाँ पे होगा, पिता या पति, उम्र, साकिन, थाना, जिला, राज्य का, स्थाई या अस्थाई निवासी, मेरा वर्तमान पत्राचार, पता, साकिन, थाना, जिला, इतना में शपथ पूर्वक इकरार वो बयान करता करती हूँ। तो ये आपको लिखना है, इसमें भरना नाम पता ये सब। फर्स्ट में लिखा है कि मेरे द्वारा टर्म्स ऑफ असाइनमेंट की सभी कंडिकाओं को पढ़ व समझ लिया गया है कि और मैं टर्म्स ऑफ असाइनमेंट में लिखी गई सभी कंडिकाओं को स्वीकार करता करती हूँ। टर्म्स ऑफ असाइनमेंट के सभी पृष्ठ एवं विहित स्थान पर अपना हस्ताक्षर दर्ज कर दिया हूँ। तो जो यहाँ पर टर्म्स ऑफ असाइनमेंट है वहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आप लोग ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, सिग्नेचर करने के बाद आप लोग जो है ये आगे बढ़िएगा। तो ये यहाँ पे बता दिया है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही एवं सत्य है। काउंसलिंग के दौरान मेरे द्वारा काउंसलिंग टीम को जो भी कागजात उपलब्ध कराए गए हैं वे फर्जी जाली नहीं हैं। अगर भविष्य में कोई भी अभिलेख दस्तावेज फर्जी जाली पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध विधिसम्मत तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तथा नियोजन के दौरान कार्य अवधि में मेरे द्वारा ली गई प्राप्त परिश्रमिक की राशि खुद समेत वसूली होगी। जो कि आप लोग पहले से जानते हैं, अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट फर्जी निकलेगा तो आपको जो भी आपने जो भी पैसे कमाए हैं उसका सूद समेत आपको वापस करना होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि मैं विवाहित अविवाहित हूँ, जो लागू ना हो उसे काटें। ये मतलब कि बताया है इसमें क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। और फोर्थ में इसमें है कि मैं विवाहित हूँ और मेरी एक ही जीवित पति पति यदि कंडिका 3 लागू हो तो। 5 नंबर पॉइंट में लिखा है मैं विवाहित अविवाहित, जो लागू ना हो उसे काटे, मैंने दहेज नहीं लिया और न लूँगा, ये हो गया। 6 नंबर पॉइंट में है कि न्यायालय में मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का दीवानी फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं है। शायद देखिए इसमें तो ये लिखा है, लेकिन हम लोग का जब ज्वाइनिंग हुआ था तो उसमें जो दहेज ना लेने का उसका एफिडेविट बनवाना पड़ा था। अगर आप लोग का भी खोजेगा तो आप लोग भी बनवा लीजिएगा दहेज नहीं लेंगे, उसका भी फॉर्मेट है मेरे पास एफिडेविट का, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके बाद न्यायालय में मेरे विरुद्ध किसी प्रकार के दीवानी फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं, उसका भी एफिडेविट आपको लगाने होंगे। 7 नंबर पॉइंट में है कि मेरा नियोजन मानदेय आधारित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून को अमीन लिपि के संविदा पद पर अस्थायी रूप में हुआ है और मैं भविष्य में अस्थायी नियोजन का दावा नहीं करूंगी। यहाँ पे आपको साफ लिखा है। उसके बाद नीचे लिखा है पुनः मैं बयान वो इकरार करता करती हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित सारी बातें सही व सत्य है, जिसे मैंने पढ़कर समझ लिया तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बिना किसी दबाव व फुसलाव बहकाव का किया है। तो ये आप लोग देख लिए। उसके बाद ये है लास्ट में सेवा बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी विषय योगदान समर्पित करने के संबंध में प्रसंग नियोजन पत्र संख्या दिनांक और ये सारा कुछ सिग्नेचर वगैरह।